फ्रेंड, इस वीडियो में हम लाइव देखने वाला है जीरोधा के अंदर आप इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करें, जीरोधा के अंदर जाकर इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, मैं आपके साथ ट्रेडिंग करके लाइव दिखाऊंगा दोस्तों, डेमो नहीं लाइव दिखाऊंगा सर। चलिए यहाँ पे मेरा पसंद, मेरा फेवरेट, मेरा इन्वेस्टमेंट, माय इन्वेस्टमेंट, मैं एक एक करके लिख के रखा हूँ दोस्तों। चलिए अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको जो भी शेयर के अंदर ट्रेडिंग करना है, इंटरडे करना है, आप यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा स्टॉक है, मैं सर्च करके रखा होती जी, इसको मैं आपके सामने सर्च करके ही देख देता हूँ। सपोज मान लीजिए मेरे को इंटरडे करना है किसमें, SBI के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करने के बाद यहाँ पे प्लस चिन्ह आ चुके हैं, राइट भी आ चुके, क्योंकि उसमें ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड है, तब भी एक बार प्लस आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा लिस्ट में आ चुके हैं SBI। चलिए अभी यहाँ पे मेरे को इंटरडे करना है, तो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ चुके हैं बाय और सेल, दो ऑप्शन आ चुके हैं दोस्तों। इंटरडे के अंदर आप पहले सेल भी कर सकते हैं, आप पहले सेल करके बाद में बाय कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटरडे के अंदर ये आपको फैसिलिटी मिलता है। सबसे पहले किसी भी शेयर को इंटरडे करने से पहले आपको तो कुछ चीज़ देखना पड़ेगा, क्यों आपको सेल करना है, क्यों आपको बाय करना है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर से एक चीज़ देख सकते हैं, चार्ट व्यू चार्ट पे क्लिक करके आप शेयर का मोमेंटम यहाँ पर से देख सकते हैं, एक आइडिया यहाँ पर से ले सकते हैं। देखिए सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पूर्णामिट का चार्ट, तो फिर आपके सामने पूर्णामिट का चार्ट खोल चुका है। तो देखिए यहाँ पे पूर्णामिट का चार्ट मेरे सामने खोल के आ चुका है। यहाँ पर से तो आपको यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे को इंटरडे के अंदर मेरे को लग रहा है मार्केट गिरेगा, गिर सकता है, तो मेरे को सेल करना है, तो सेल ऑप्शन पर मैं क्लिक किया हूँ। सेल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन है, रेगुलर, AMO, आइस बैग। आपको अगर आप नया है तो ये रेगुलर रहने दीजिए, कुछ मत करिए, AMO तो अलग है, आइस बैग भी अलग है। तो इंटरडे करने के लिए मैं एक रेगुलर सिलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद क्वांटिटी के अंदर आके आ जाइए दोस्तों, क्वांटिटी के अंदर आपको कितना क्वांटिटी सेल करना है। सपोज मान लीजिए मेरे को 10 क्वांटिटी सेल करना है, 10 सिलेक्ट कर दिया हूँ। सेकंड देखिए लिमिट दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इसमें क्लिक करिए देखिए मार्केट दिखाई दे रहा है। लिमिट और मार्केट के अंदर डिफरेंस क्या है दोस्तों, लिमिट मतलब आप अपना मन मर्जी प्राइस यहाँ पे दे सकते हैं, आप जो भी प्राइस में सेल करना चाहते हो वहाँ पे आप प्राइस पुट कर सकते हैं। देखिए मैं हाल लगाया तो लिमिट हो गया, अगर आपको मार्केट के अंदर जो भी प्राइस है उस प्राइस से अगर आपको सेल करना है या बाय करना है तो इसको मार्केट रहने दीजिए। चलिए मैं आपके सामने लिमिट लगा देता हूँ। पहले देखिए अब ये चल रहा है, सपोज मान लीजिए स्टॉक 864 में चल रहा है, 864.25 में चल रहा है। सपोज मान लीजिए ये स्टॉक अगर 67 जाएगा तब मेरे को शेयर सेल करवाना है, तो मैं दे चुका हूँ दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए दो ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म और इंटरडे। दोस्तों पहले से इस वीडियो का मकसद है लॉन्ग टर्म नहीं है, इंटरडे है, तो इंटरडे मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, ज़्यादा कुछ देखना नहीं। तो इंटरडे में तो आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है, यहाँ पे लिवरेज मार्जिन मिलता है, अगर आपके पास कम पैसा है तो आप ज़्यादा यहाँ पे लिवरेज ले सकते हैं। इसमें मतलब सपोज मान लीजिए आपके पास 1,00,000 का है तो यहाँ पे आपको 1,00,000 देना नहीं पड़ेगा, बहुत कम पैसे देके आप 1,00,000 का शेयर ले सकते हैं, इंटरडे का फैसिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपके पास 1,00,000 है तो आपको 1,00,000 का ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और इंटरडे के अंदर तो आप पहले सेल कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर आप पहले सेल नहीं कर पाओगे, तो लॉन्ग टर्म के लिए है दोस्तों। चलिए इंटरडे मैं सिलेक्ट कर किया दोस्तों। नीचे जो स्टॉप लॉस बाकी जो एडवांस है दोस्तों ये दूसरे वीडियो में हम लोग सीखने वाला है, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। चलिए मैं अभी आप देखिए दोस्तों, मैं प्राइस दे चुका हूँ, क्वांटिटी दे चुका हूँ, रेगुलर ऑर्डर सिलेक्ट कर चुका हूँ, इंटरडे सिलेक्ट कर चुका हूँ, आप एक एक करके देखिए। उसके बाद नीचे देखिए स्वीप टू सेल करने के बाद दोस्तों ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। देखिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है दोस्तों, और ऑर्डर कहाँ पे दिखाएगा देखिए, नीचे वॉच लिस्ट के बगल में ऑर्डर ऑप्शन पे, ऑर्डर ऑप्शन पे देखिए दोस्तों, देखिए मेरा सेल ऑर्डर लगा हुआ है दोस्तों। देखिए 847 पे मेरा सेल ऑर्डर लगा हुआ है दोस्तों, अभी मार्केट का प्राइस है 846। मतलब दोस्तों जब तक ये प्राइस 847 आएगा नहीं तब तक मेरा शेयर सेल नहीं होगा, तो सेल नहीं होगा दोस्तों। चलिए अगर आपको इसके अंदर से सपोज मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, इतना ऊपर नहीं जाएगा, तो आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लेना है, सपोज मान लीजिए आपको जो भी प्राइस है उस प्राइस पे लेना है, तो इसमें क्लिक कर दीजिए, फिर इसमें क्लिक कर दीजिए ऑर्डर के अंदर, यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं तो कैंसिल ऑर्डर मांगे आप कैंसिल भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे को लेना है, सपोज मान लीजिए मेरे को मॉडिफाई कर देना है दोस्तों, मॉडिफाई करके मान लीजिए मेरे को मार्केट प्राइस पे ही लेना है, तो मार्केट को सिलेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों मार्केट प्राइस पे ही कर दिया, मतलब अभी तुरंत तुरंत सेल हो जाएगा, मॉडिफाई कर दिया, देखिए आपके सामने राइट आ जाएगा। देखिए
देखिए फ्रेंड अब यहाँ पे ओपन दिखाई दे रहा है, तो ओपन पे था ना, चला गया, कहाँ चला गया, एग्जीक्यूट में चला गया। देखिए दोस्तों शेयर मेरा सेल हो चुका है, देखिए 4846 रुपया में दोस्तों मेरा शेयर सेल हो चुका है, 10 शेयर। तो अभी यहाँ पे आ जाइए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आके दोस्तों देखिए पोजिशन, पोजिशन पोर्टफोलियो में आके दोस्तों देखिए यहाँ पे पोजिशन पे देखिए दोस्तों, अभी SBI का 10 क्वांटिटी है दोस्तों, मेरे को 1 रुपया का लॉस दिखाई दे रहा है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको अभी इसको बाय कर लेना है, सपोज मान लीजिए अभी आपको 1 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है, आपका शेयर प्रॉफिट में जा रहा है, कुछ भी करना है, अगर लॉस में भी जा रहा है, अगर आपको यहाँ पर से निकल जाना है, तो भाई दोस्तों आपको पहले ने आप पहले सेल किया था ना, तो आपको निकल जाना तो बाय करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप बाय करना है तो इस पर क्लिक करिए, इसमें ही क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों, उल्टा उल्टा नहीं, SBI पे क्लिक करिए। SBI पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एग्जिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए एग्जिट ऑप्शन, तो एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करिए। एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेम ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, आप चाहे तो मार्केट के अंदर जो भी प्राइस है उस प्राइस से अगर आपको एग्जिट होना तो आप एग्जिट हो सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप अपना मन बजे यहाँ पे प्राइस दे सकते हैं, देखिए प्राइस दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेरे को तुरंत निकल जाना है, तो जो भी है रहने दीजिए, स्विफ्ट टू बाय कर दिया। देखिए दोस्तों मेरा बाय कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अभी यहाँ पे देख लीजिए SBI का क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, मेरे को 5 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेमो वीडियो में आपको दिखाने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, ये भी देखिए पहले यहाँ पे मेन चीज़ देख लिया, पहले मैं यहाँ पे सेल किया था दोस्तों, देख लिए 1:32:23 में मैं सेल किया था 846 रुपया में, अभी मैं बाय किया हूँ दोस्तों कितने में, 846.55 रुपये से, मतलब ज़्यादा पैसे में मैं बाय किया, कम पैसे में सेल किया, तो इसलिए मेरे को लॉस दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप इंटरडे के अंदर जा पहले सेल भी कर सकते हैं, पहले बाय भी कर सकते हैं, इस तरह से आप इंटरडे ट्रेडिंग जीरोधा के अंदर कर सकते हैं।